स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट है ये सेकंड क्वेश्चन से, तो गौर करिए कहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हिस्सा तो सेम है आपका जो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो वही आपको फॉर्मूला अपनाना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर द जीरोस अल्फा बीटा। लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी उसने सम एंड प्रोडक्ट करके दिया था, यहाँ पे उसने सिर्फ अल्फा बीटा दिया है, सम और प्रोडक्ट नहीं किया है। यहाँ पे इतना ही फर्क है सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में। देखिए फॉर द जीरोस अल्फा बीटा गिवन इन ईच केस, ये वैल्यू है अल्फा की, ये वैल्यू है बीटा की। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू थी सम अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू थी अल्फा बीटा की, इतना ही फर्क है। तो चलिए यहाँ पे अब कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू टू, बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब क्या करेंगे आप, अब कर लेंगे सम, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा है टू, टू प्लस माइनस वन, टू प्लस माइनस वन कितना होगा टू, प्लस इंटू माइनस माइनस वन, टू माइनस वन इज वन। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेंगे अब, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन, प्लस इंटू माइनस माइनस टू वन जा टू। तो ये हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब सेम फॉर्मूला रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पहले माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की है वैल्यू वन इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स इज एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आ गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कंसिडर करना है अल्फा, इसको कंसिडर करना है बीटा, सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी करा दिया था, आई होप आपको अभी तक वो याद हो गया होगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देख लेंगे सेकंड वाली बिट, सेकंड वाली बिट में भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। कंसिडर कंसिडर अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री, बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक को कर लिया कंसिडर रूट थ्री, सेकेंड वाला है माइनस रूट थ्री। सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, तो कर लेंगे अब रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, क्या होगा रूट थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस रूट थ्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट होगा अल्फा प्लस बीटा, ये है सम और ये है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, क्या होगा रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज रूट थ्री स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस थ्री। ये वैल्यू है अल्फा बीटा की। अब होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो तो आपको अब तक याद हो गया होगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो इंटू एनी थिंग इज ज़ीरो, लीव दैट, प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये थी आपकी सेकेंड वाली बिट। अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ बिट करा के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लूँगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने थर्ड बिट आपके लिए छोड़ी है क्योंकि वो बहुत आसान बिट है आपके लिए। तो चलिए अब कर लेंगे फोर्थ वाली बिट। कंसीडर, क्या करेंगे हम, कंसीडर अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू, बीटा इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो सबसे पहले सम फाइंड करेंगे इन दोनों का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू, टू टू दोनों भी डिनोमिनेटर्स है तो एलसीएम आ जाएगा टू। अब न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेना है, वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री इज फोर डिवाइडेड बाई टू, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, तो क्या आ गया आंसर हमें, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमें इज इक्वल टू टू। अब करना है प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई हाफ इंटू थ्री बाई टू, न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, वन इंटू थ्री इज थ्री,
टू इंटू टू इज फोर, तो ये है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये रहा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये तीनों में एलसीएम आएगा फोर, मतलब ये दोनों को भी फोर बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। फोर इंटू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर जा एट एक्स प्लस, ये ऑलरेडी फोर है तो यहाँ पे ऊपर वाला आ जाएगा प्लस थ्री। इस फोर को उधर भिजा दीजिए, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। क्या बच गया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये रहा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो हमने थर्ड क्वेश्चन को भी अब ख़त्म कर लिया है।